शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो जी, क्या मैं मिस्टर राज गोयल से बात कर सकता हूँ प्लीज? वैसे बता रहे हैं, वो तो घर पे है नहीं। किसका फोन है? कोई राज के लिए पूछ रहा है, हम बात करते हैं। फोन दो। हेलो राज जी? नहीं, राज घर पर है नहीं, मैं उसका बड़ा भाई मनोज बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं यशवर्धन मित्तल बोल रहा हूँ। यशवर्धन मित्तल द टेक्सटाइल टाइकून, आप वही बोल रहे हैं ना? जी मैं वो, जी हाँ। नमस्ते नमस्ते सर, मैं राज का बड़ा भाई मनोज बोल रहा हूँ। कोई काम था आपको राज से? काम वैसे उससे ज्यादा आपसे है मनोज जी, आप उसके बड़े भाई हैं। तो ये बात मैं आपसे कर सकता हूँ? ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे राज से मिलने का कई बार मौका मिला और मैंने ये जाना कि राज बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार लड़का है। हाँ हाँ जी जी हाँ, वो तो है। मनोज जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बात मैं कैसे करूँ। क्या मैं आपसे या आपके पिताजी से मिल सकता हूँ? जी हाँ हाँ जरूर। मनोज जी मुझे अपनी बेटी के लिए राज जैसे लड़के की ही तलाश है। जी तो क्या इस सिलसिले में मैं आपसे मिल सकता हूँ? अब क्या कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है? I mean, क्या मैं कल शाम को आपसे मिलने आपके घर आ सकता हूँ? अरे सर आप क्यों तकलीफ करते हैं? ऐसा करते हैं कि मैं और मेरे पापा हम दोनों खुद ही आ जाएंगे आपसे मिलने। तो ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर आप आज शाम को ही तशरीफ ले आइए। एड्रेस है मेरा 9 मित्तल एक्सपोर्ट्स का ऑफिस कहाँ है किसे नहीं पता, हम शाम को 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूँगा। नमस्ते नमस्ते सर। क्या हुआ? माँ राज की रानी मिल गई। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। चोड़ी है पापा, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। शौक तो एक्चुअली मुझे पहले से ही था, लेकिन तूने आदत डाल दी। अब देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही है, जब मैं अकेला रह जाऊंगा तो कम से कम बोर तो नहीं होऊंगा ना। आप अकेले क्यों रहेंगे? इस दुल्हन की तरह एक दिन तुझे भी तो जाना ही है ना बेटा। अब देख, तेरी शीतल जी कोलकाता चली गई, शालिनी जी दिल्ली चली गई, कोमल जी सूरत चली गई। अब पता नहीं तेरे संयोग तुझे मुझसे कितनी दूर ले जाए। पापा हम आपको छोड़कर कहीं दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तुझे यहीं कहीं आसपास भेज दूं।
वो क्या है कि मैंने यहीं अपनी रानी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा। हाँ, राज नाम है उसका, बहुत ही काबिल लड़का है। अरे वही जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये लीजिए, पेंटिंग कीजिए अकेले, हम आपकी अब कभी हेल्प नहीं करेंगे। भाई जी, ये क्या आप ऑफिस आ रहे हैं? हाँ भाई, एक जरूरी काम था, किसी से मिलना है आज। भाई जी, थोड़ी देर पहले शालिनी का फोन आया था। अरे, उसने मुझसे बात नहीं की? फोन कट गया था भाई जी। भाई जी, पुनीत बाबू नाराज है क्या हमसे? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो पुनीत बाबू मुंबई आए हुए हैं, ना तो वो घर आए हैं और ना ही उन्होंने फोन किया है। वो तो शालिनी के मुंह से निकल गया तो मुझे पता चला। भाई जी, अपना घर होते हुए पुनीत बाबू होटल में रुके, ये अच्छी बात नहीं है ना? जाहिर है अच्छा तो नहीं लगता है। एनीवे, मैं बात करता हूँ पुनीत बाबू से। शालिनी को मैंने कितनी बार कहा था। हेलो, प्रणाम पापा। कैसे हैं पुनीत बाबू? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुंबई में होते हुए भी होटल में ठहरे हैं, घर क्यों नहीं आए? वो पापा, वो ब्रिजिंगल का बेटा सिद्धार्थ भी मेरे साथ है ना, आपको रानी और सिद्धार्थ का रिश्ता मंजूर नहीं था तो मैंने सोचा कि आपके लिए, मेरे लिए और सिद्धार्थ के लिए, हम तीनों के लिए ऑकवर्ड हो जाता। देखिए पुनीत बाबू, मैं जानता हूँ कि इस बात को लेकर आप मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, आपसे क्यों नाराज होने लगा? रानी आपकी बेटी है, आपको जो ठीक लगेगा आप वही करेंगे। और सिद्धार्थ को भी कोई रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। पापा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री हो के आपको फोन करूँ? ऑफ कोर्स बेटा। ओके, कीजिए आपको रानी की शादी जहां करना है कीजिए। फिर आपका मुंह खुलेगा खुला ही रह गया। इतना बड़ा ऑफिस, तुझे पता सुनने में कोई गलती तो नहीं? मुझे लगता है कुछ गलत जगह पे आ गए। मैं तो चलिए ना, अभी पहले कंफर्म कर ले बेटा। हाँ चलिए, सही जगह है, चलिए। एक्सक्यूज मी। मॉर्निंग। मॉर्निंग, आई एम हियर टू सी मिस्टर मित्तल। आई एम मनोज गोयल। सर, मनोज गोयल आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू। आइए, नमस्ते। नमस्ते, आइए, प्लीज आइए, प्लीज, वेलकम वेलकम। आइए बैठिए ना, आइए। सर, मुझसे तो आपकी बात हो गई थी। ये मेरे पापा है, राजेंद्र गोयल। नमस्कार जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। हैरानी की बात यह है कि आपने मेरे बेटे राज के लिए अपनी बेटी को। पापा, पापा के कहने का मतलब यह है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, है ना? वैसे सर, आप राज को कब से जानते हैं? पहचान तो ऐसी कोई खास पुरानी नहीं है मनोज जी, लेकिन हाँ,
लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी बरसों पुरानी पहचान के बाद भी कोई अजनबी सा लगता है और कई बार एक दो मुलाकात के बाद भी कोई अपना सा अपना अपना सा लगता है, जैसे आप हमारे अपने से लगते हैं। सर हमारा राज है ही ऐसा, पापा से पूछिए, अरे बचपन से ही ऐसा है वो। एक्चुअली मनोज जी, मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ इसलिए दी कि मैं आप लोगों की भी मर्जी जान लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज और रानी की शादी क्या है। हमें तो बहुत ही खुशी हुई, मैंने पहले ही बता दिया। जानते मित्तल साहब, जब राज पैदा हुआ था तो पंडित घनश्याम दास जी ने उसकी कुंडली बनाई थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था बड़ा ही होनहार और काबिल लड़का निकलेगा। राजयोग है, तभी तो हमने उसका नाम राज रख दिया। और एक बात पंडित घनश्याम दास जी ने और कही थी कि जब इसकी शादी होगी इसी महलों की रानी के साथ होगी। देखिए निकल गई ना उनकी बात सच। बहुत ही पहुंचे हुए थे पंडित घनश्याम दास जी। संधि संधि बाद में मिलेंगे, पहले हाथ तो मिलाइए। आपके पंडित जी क्या नाम बताया? घनश्याम दास जी। जी हाँ, घनश्याम दास जी वाकई बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। अब सर तो बताइए आप कब आ रहे हैं शगुन लेकर? मनोज जी दरअसल ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार राज और रानी भी एक दूसरे से मिल लें और हाँ कह दें, फिर बस मैं आ जाऊँगा शगुन लेकर। यू नो आजकल के लड़के लड़कियों की मर्जी जान लेना भी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स सर, जैसा आप ठीक समझे। वैसे हमारा राज बड़ों की बात कभी नहीं टालता। तो सर हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। हाँ सर, सर थैंक यू सो मच पापा। चलिए देर हो रही है ना। चलिए 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 चलिए, ओके थैंक यू सर। मनोज, जब मैं इस ऑफिस में आया था ना तो मैं सोच रहा था कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली है। ये गंगू तेली राजा भोज का समधी बनने जा रहा है। जय गुरु। ठीक है, मुबारक हो पापा, मुबारक हो। आज पहली बार राज की समाज सेवा का कोई इनाम तो मिला। धन्य हो गुरु, धन्य हो। बस पापा अपने भगवान जी से प्रार्थना कर दीजिए कि इस बार आपका सत्यवादी बेटा बिना किसी रुकावट के रिश्ता हो जाने लगे। ये शुभकामना को किंतु परंतु ना करेंगे पापा। सोचना ये है कि राज और रानी को कैसे मिलवाया जाए। चले राज, अच्छा किया तूने जो आईएएस ऑफिसर की बेटी के लिए ना कह दिया। वो लड़की तेरे टाइप की थी नहीं यार। बाय द वे, तुझे किस टाइप की लड़की चाहिए? आई मीन कोई तो तस्वीर होगी तेरे मन में अपने जीवन साथी की। हाँ तस्वीर तो है, एक खूबसूरत लड़की की, ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती उसकी सादगी में हो। वाओ रानी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइनर कलेक्शन। वैसे भी तू डिजाइनर लेबल के अलावा कुछ और पहनती भी कहाँ है? जिसे जिंदगी की कड़ी धूप झेलनी आती हो, सुखों की चाह तो हो पर दुखों से डरने वाली भी ना हो। थैंक गॉड यहाँ एसी है, बाहर कितनी धूप है ना। जिसे पैसे की वैल्यू हो, घर चलाने की समझ हो। मुझे पता है तूने 2 घंटे में कितनी शॉपिंग की है। प्राइस टैग तो देख नहीं रही, बस जो पसंद आ रहा है उठाती जा रही है। मुझे लगता है शादी के बाद तेरा पति ना सिर्फ तेरे बिल चुकाने में थक जाएगा। थकेंगे क्यों, वो और कमाएंगे किसके लिए? बेचारा। तेरे हिसाब से तेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए? Handsome yet simple, और उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। ला 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 ला।
जो हमारे पापा की तरह ऑनेस्ट, ईमानदार और जिसमें इंसानियत। ऐसा भी हो सकता है जो लड़का तेरे पापा तेरे लिए पसंद करे उनमें ये क्वालिटीज हो ही ना। तूने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट जो बना रखी है। जी नहीं, हमारे पापा ने अपनी सारी बेटियों के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुने हैं। अच्छा, तो बता जो तेरे लिए हीरो चुना है उसका नाम क्या है? राज। दोनों का एक है सपना, पर जीवन अपना अपना, दोनों की दुनिया ही जुदा है। हो एक मन सच को पहचाने, एक मन बस उड़ना जाने, दोनों की अपनी ही अदा है। महलों की रानी है, मन का राजा है वो, कैसा ये मैं होगा अनजानों में। कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि एप्लीकेशन वाला। अच्छा हो तुम यहीं पर मिल गए, मुझे मालूम था तुम दोनों यहीं पर मिलोगे। भैया आप यहाँ क्यों? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुझे बतानी है। शेखर तुझे पता है तेरे दोस्त का रिश्ता होने जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं भैया? पे क्या बात कर रहे हैं? अरे सुन तो, इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर यशवर्धन मित्तल ने अपनी बेटी के लिए हमसे तुम्हारा रिश्ता मांगा है। ऐसे क्या देख रहा है, क्यों बात समझ में नहीं आई क्या? अरे भाई तू यशवर्धन मित्तल का होने वाला दामाद है यार। यू आर टू मच राज, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा के रखी। भैया मुझे लगता है आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे अरे नहीं राज, तू सुन, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अरे उनका खुद फोन आया था हमारे घर और हमें मिलने के लिए बुलाया। अरे मैं और पापा तो उनको ऑफिस जाकर उनको मिल आए हैं। क्या इज्जत की उन्होंने हमारी, और करते भी क्यों नहीं, अपनी बेटी देना चाहते हमारे यहाँ वो है ना। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी बातें घर पर ही होगी ठीक है। यार राज मुझे लगता है कि तेरी किस्मत में किसी अमीर ससुर का दामाद बनना ही लिखा है। पहले वो आईएएस ऑफिसर की बेटी का रिश्ता आया और अब यशवर्धन मित्तल की बेटी का। नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। प्लीज कम बैठो। मैं बस अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। प्लीज ना, सो नाइस टू सी यू। आज तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से भी मुलाकात। जी हाँ सर, मनोज भैया ने बताया कि आपने उन्हें और पापा को बुलाया था, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, कि आपने उनकी और पापा की बहुत इज्जत की।
वो बहुत खुश हैं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहते हैं। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम और रानी एक दूसरे से मिल लो और मुझे गलत मत समझिएगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता।